तो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड टू डिटरमिन कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस एंड पावर फैक्टर ऑफ अ नेटवर्क टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर. तो द थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज इफ अ साइनोसाइडल सोर्स इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ अ लीनियर पैसिव एलिमेंट्स. अ पैसिव एलिमेंट्स मींस के हमारे पास जो है जो कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ देन वेरी देन एवरी वोल्टेज एंड करंट इन दैट नेटवर्क विल बी साइनोसाइडल इन द स्टेडी स्टेट. कि आपको पता है कि एसी करंट एसी वोल्टेज जो है उनकी जो अगर हम आउटपुट या इनपुट वेव फॉर्म्स देखें तो वो साइनोसाइडल होती हैं. तो हमने उनके इनपुट और आउटपुट के स्टेडी स्टेट रिस्पांस को जो है वो ऑब्जर्व करना है स्टडी करना है और उसके आगे जो है हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स की जो इम्पीडेंस और उसकी कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस होती हैं उनको देखना है और फर्दर हमने आगे इसके जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स उनके जो पावर्स जो हमारे सिस्टम में जनरेट होती हैं जो पावर्स कंज्यूम होती हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है. तो इसका जो स्टार्ट में हम देखें कि हमारे पास अगर एक आरसी नेटवर्क है जैसे ये मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये एक हमारे पास एक आरसी नेटवर्क है ये वाला रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जिसमें रेजिस्टर जो है वो हमारा एक लोड है कैपेसिटर एक दूसरा लोड है. यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं और इस इनपुट सप्लाई देने की वजह से ये आई इन ऑफ टी ये क्या शो कर रहा है कि आपका इस लोड के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है. अब इस करंट और इस वोल्टेज का जो साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट अगर मैं इसका ग्राफिकल देखूं तो ये मेरी दो वेव फॉर्म्स आपको शो हो रही होंगी. एक ये जो शो हो रही है इनपुट वोल्टेज की एक शो हो रही है इनपुट करंट की. तो ये जो दो वेव फॉर्म्स हैं इनका किसी भी पॉइंट के क्रॉस जो रिस्पांस चेक करना है दैट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म्स. और इनका चूंकि ये पीरियोडिकली रिपीट कर रही है अपने आप को मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर जीरो है यहाँ पे टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स है यहाँ पे 60 सेकेंड्स है यहाँ पे 90 सेकेंड्स है. तो ये क्या कर रही हैं ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द स्टेडी वेवफॉर्म्स. और इनको इनके रिस्पांस को जो चेक करना है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टेडी रिस्पॉन्स. अच्छा अब हमारे पास चूंकि इनपुट ऑफ द वेवफॉर्म लेट्स सपोज u of t is equal to a cos of omega t plus theta ये कोई आपका सर्किट आ गया और आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी y of t b of cos of omega t plus phi where a is any constant or that will shows the amplitude of the waveforms. यानी कि ये जो आपकी वेवफॉर्म बन रही है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव हाईएस्ट पॉइंट है. तो इस पॉइंट के जो वैल्यू एम्पलीट्यूड को है वो हम ए से डिनोट कर देते हैं. दैट विल बी शोन इन द इन दिस फिगर ये ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा और ये क्योंकि पैसिव एलिमेंट्स हैं तो इसलिए टाइम इंटरवल और प्लस थीटा जो उसमें फेज डिफरेंस आ रहा है करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म से. तो साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ कॉमन सर्किट एलिमेंट्स जो होते हैं उनको भी ज़हन में रखना पड़ता है. कि जैसे आपके पास ये टेबल दिया हुआ है टेबल वन पैरामीटर्स फॉर नेटवर्क एलिमेंट्स. सबसे पहले आपके हमारे तीन तरह के लोड्स हैं एक रजिस्टर है एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है. तो अगर आप देखें तो हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ द रेजिस्टर क्या होगी वो आर है जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं. इन केस ऑफ कैपेसिटर हमारी इम्पीडेंस क्या होगी वन अपॉन जे ओमेगा सी जो कि हम पढ़ते हैं वन अपॉन जिसको हम आप कह देते हैं वन अपॉन एक्स सी और इन केस ऑफ इंडक्टर डेट विल बी एक्सएल और XL will be that will be the J omega L. तो that will be the impedance. अच्छा impedance का उल्ट क्या होता है admittance. ठीक है अगर आप resistance के उल्ट देखें तो admittance में क्या होता है कि resistance क्या होता है कि rate of
अपोज ऑफ चार्जेस, तो ये क्या है, कंडक्टेंस, ठीक हो गया, इसको हम जी से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस के केस में, और कैपेसिटर की एडमिटेंस क्या होगी, जे ओमेगा सी, यानी कि वन अपॉन जे ओमेगा सी का अगर हम उल्ट कर लें तो वो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी। इसी तरह अगर इंडक्टर की हम इंपीडेंस की बात करें तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा, एडमिटेंस में वन अपॉन जे ओमेगा एल। तो डेट विल बी द एलिमेंट्स, और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि इंपीडेंस का उल्ट क्या हो जाता है, एडमिटेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे हमें पता है कि वन अपॉन ओमेगा सी, और इंडक्टर रिएक्टेंस जो होती है वो ओमेगा एल होती है, और रिएक्टेंस का उल्ट होता है ससेप्टेंस। अच्छा, अब ससेप्टेंस क्योंकि रिएक्टेंस कोई नहीं है रेजिस्टेंस की, तो इसलिए उसकी ससेप्टेंस कोई नहीं होगी, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है वन अपॉन ओमेगा सी, तो इसकी ससेप्टेंस क्या हो जाएगी, सिंपल ओमेगा सी। इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है ओमेगा एल, तो वो क्या हो जाएगी, ससेप्टेंस माइनस वन ओवर ओमेगा एल। तो दीज आर द सम बेसिक एलिमेंट्स, और जो उनकी इंपीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस, इनकी वजह से हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में एक कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट होता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगर आप पैसिव और जे हाँ, वो आगे जाके हम अभी इसको क्लियर करते हैं कि व्हाट इज जे, ठीक है। आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं, जैसे एक साइनोसाइडल, आपको मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे पेंट पे ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उसका। जी, तो ये आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अच्छा, अब अलोंग एक्स एक्सिस आपके क्या आ जाते हैं, रियल कंपोनेंट्स, अलोंग वाई एक्सिस आपके क्या आ जाते हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट्स। और इमेजिनरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो के आयोटा की फॉर्म में होते हैं, आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। और आयोटा किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस वन अंडर रूट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, डेट विल रिप्रेजेंट बाय आयोटा और जे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, हम इस आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम जे की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है और ये हमारा रियल। चूंकि हमारे पास सिस्टम में लोड्स तीन तरह के हैं, एक रेजिस्टिव है, एक कैपेसिटिव है और एक इंडक्टिव है। अब इन तीनों लोड्स की रेजिस्टिव जो है वो तो रियल नेटवर्क है, वो क्या होता है कि आपका करंट और वोल्टेज जो होती है, जहां पे, यानी कि अगर आपकी करंट की वेवफॉर्म ये है और वोल्टेज की भी वेवफॉर्म जो है वो इसी तरह होगी, यानी कि दोनों जो वेवफॉर्म्स हैं वो इन फेज होंगी, वो क्या होंगी, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एलिमेंट्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर द पैसिव